सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि यार आप लोग का बहुत सारा कमेंट है, सर प्लीज सिंगापुर खेलो, न्यूयॉर्क खेलो, सिंगापुर खेलो। यार मैं परेशान हो चुका हूँ यार आप लोगों की ये बात सुनकर। और देख रहे हो यार सिंगापुर और न्यूयॉर्क में क्या मिल रहा है हमें, कैसे कैसे प्लेयर्स मिल रहे हैं हमें, आप लोग को पता ही होगा सिंगापुर में। अब देखो यार अभी एक न्यू अपडेट आई है, ठीक है। ये अपडेट है ना क्या हैक के बारे में कुछ अपडेट आई है कि अब स्टैगर ना अपने आप मूव हो रहा है, ठीक है। मतलब स्टैगर मूव नहीं यार, मतलब स्टैगर दूसरे दूसरे पोजिशन में जाके पक्स को खेल रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से जो है मिनी क्लिप डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। आप गलत सोच रहे हो भाई, मिनी क्लिप डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है, थोड़ा लेट ही सही। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था भाई सिंगापुर खेलो, सिंगापुर खेलो। तो फाइनली तुम्हारा भाई सिंगापुर बड़े बड़े टेबल्स में गेम प्ले लेके आया। तो प्लीज़ आज की वीडियो को कंप्लीट देखना, उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और करते हैं गेम पे फोकस, तो आप लोग भी गेम पे फोकस करो। राइट साइड से हिट करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक पक पॉकेट हो चुकी है टॉप लेफ्ट साइड में, और इसको खेलेंगे स्लो राइट साइड में, ओके। एंड अभी क्या करेंगे, इसको क्रॉस खेलेंगे, थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे ताकि बीच वाली जो पक है वो रिलीज हो जाए, और रिलीज हो चुकी है भाई। एंड अभी भी देखो भाई तुम्हारा भाई किस तरीके से फिनिश करता है। इसको क्या करेंगे, कनेक्शन खेलेंगे ऊपर वाले पक्स को कुछ इस तरीके से। और ये देखो भाई हमने दोनों पक्स को रिलीज कर लिया। अभी इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल खेल लेते हैं, ओके। इसको सिंपल खेल लेंगे। अब जो ऊपर वाली जो पक है, सबसे पहले तो आप लोग क्वीन दिख रहा है, क्वीन का कनेक्शन, ठीक है, क्वीन को कनेक्शन खेलेंगे। थोड़ा आराम से बनना पड़ेगा, बैलेंस बना के, ताकि ओपोनेंट की पक जो सामने खड़ी है वो टच ना हो, ओके। टच नहीं हुई, और इजीली देखो तुम्हारा भाई किस तरीके से इस गेम को फिनिश करता है, मजा आएगा आप लोगों को देखकर। और यहाँ पे देखो यार पक सारे ना मतलब इस तरीके से फंस गए आगे, लेकिन कोई नहीं, तुम्हारा यस भाई है ना, यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर किसी पक्स को टच कर लेते हैं ना तो एक पक तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो देखो किसी पक्स को हम लोग टच करते हैं, यहाँ पे हम लोग को बीच वाली पक्स को थोड़ा सा टच करना है बस, अगर वो टच हो जाए तो फिर ओके। यार यहाँ पे चली गई है एक पक, और दोनों के दोनों पक इजीली थोड़ी बहुत हो चुकी है, बट एक पक थोड़ा बहुत फंस गया है भाई। एंड उस पक को रिलीज करने के लिए इसको फास्ट खेलना पड़ेगा। और फाइनली हमने ओपोनेंट की पक को साइड कर लिया है, इनको सिंपल खेलेंगे, और ये बैक टू फिनिश हो गया हम लोग का सिंगापुर टेबल में। यार अभी के टाइम पे सिंगापुर खेलना ओनली आप लोग के लिए, तो आप लोग को एक फर्ज तो बनता है यार कि लाइक कर दिया करो आप लोग। और मैं आप लोग के लिए ही ओनली सिंगापुर गेम प्ले करता हूँ, सिंगापुर टेबल्स में आप लोग समझ सकते हो। सो अभी मैं क्या करूँगा, एंड थोड़ा मैं छोटा टेबल्स में गेम प्ले करूंगा, इसके बाद फिर बड़े टेबल्स में गेम प्ले करूंगा, क्योंकि ये ब्रेक जो है ना ओपोनेंट को मिलने वाली है, ठीक है, ये मुझे पता है। एंड यहाँ पे यार प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ था, इसका नाम सफिक है, वो स्कैमर है भाई, पता नहीं कौन है। तो मुझे हंसी भी आई थोड़ी बहुत भाई, उसी का डीपी लगा करके उसी की बुराई कर रहा है, बताओ यार। या फिर डीपी हटा दो भाई, एंड सामने ऑटो प्लेयर आ चुके हैं भाई, इस तरीके प्लेयर मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके पास अगर ब्रेक आती है तो ब्रेक टू फिनिश करो, अगर नहीं अगर छोड़ देते हो तो मिस भाई तो खत्म भाई, ऐसा सिचुएशन है। और इन लोग सोच रहे हैं कि भाई अभी तक आप लोगों को आईडी अगर डिटेक्ट नहीं कर पाई है मिनी क्लिप, तो ये वीडियो जो है मैं मिनी क्लिप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। ये वीडियो जो है मिनी क्लिप के टीम तक, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं वो वीडियो मैं मिनी क्लिप के टीम तक पहुंचा देता हूं, और उस वीडियो में जो भी आईडी मेरे साथ हैक लगा के खेलते हैं उसका आईडी जो है वो ब्लॉक, यानी कि डिलीट, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। थोड़ा लेट ही सही, कुछ दिन टाइम लेता है मुझसे, ठीक है, एक हफ्ते का कम से कम, लेकिन उसका आईडी परमानेंटली डिलीट हो ही जाती है, ठीक है। एंड देखते हैं हम लोग ये लगाते हैं हम लोग फोर्थ गेम प्ले। एंड एक गेम प्ले में अपना ब्रेक आया, उसने ब्रेक क्यों फिनिश किया। एंड यहाँ पे देखो यार लव उल्ला भाई के साथ गेम लगाया, और ब्रेक अपने पास आ चुकी है, तो ब्रेक क्यों फिनिश बनता है यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्ट्रेट कट ब्रेक है, सीधा हम लोगों ने हिट किया, और एक पक पॉकेट हो चुकी है टॉप लेफ्ट साइड में, और इसको क्या करेंगे फास्ट खेलेंगे राइट साइड में। सलाम भाई, सलाम ब्रो, ओके। यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। फिनिशिंग देखो गाइस, फिनिशिंग देखो, अपने पास ब्रेक आ चुकी है ना, फिनिशिंग देखो आप लोग, इसको फास्ट खेलेंगे थोड़ा सा। हमने ओपोनेंट की पक को साइड करने की, सॉरी मतलब जो आगे वाली पक्स थी ऊपर वाली, उसको फ्री करने का कोशिश किया था, बट हुआ नहीं। चलो कोई नहीं, अभी देखो बहुत सारे पक्स हैं जिससे हम रिलीज कर सकते हैं पक्स को, ओके। एंड ये क्या भेज रहे हैं यार, प्लीज वीडियो बनाओ, मुझे वीडियो बनाने के लिए बोले जबकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इनको मैंने बोला हाँ यार मैं वीडियोस कर रहा हूँ, किसके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। फिनिशिंग देखो आप लोग, फिनिशिंग मजा आएगा आप लोग को फिनिशिंग देखकर। अभी क्या करेंगे, जो ऊपर वाली पक है इसको फास्ट खेलेंगे, ताकि क्वीन जो है ना वो थोड़ी बहुत फंसी हुई है, क्वीन रिलीज हो सके, ठीक है, इसको फास्ट खेलेंगे। और यहाँ पे देखो इससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्वीन को हिले भी नहीं वहाँ से, लेकिन क्वीन का कनेक्शन जो है वो बन चुकी है। यहाँ पे कसम खाने बोल रहे भाई, कसम से बोलो कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो गेम, सच बोलूँ यार सच में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है।
उनको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। एंड क्वीन को क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट साइड में खेलेंगे जो कि ओपनर की पक साइड में रखी हुई है, बट बीच से निकाल लेंगे हम लोग। अभी ना थोड़ी बहुत हार्ड सिचुएशन है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो पीछे वाली पक है इसको कनेक्शन खेलेंगे ऊपर पक, जो ऊपर वाली पक से इसको कनेक्शन खेल लिया हम लोगों ने और इजीली जो है पक्स को पॉकेट हो चुके हैं। बट यहाँ पे रिमैच करो भाई प्लीज, सॉरी यार मैं रिमैच नहीं कर सकता, मैं बिलीव नहीं कर सकता इन लोगों पर, क्योंकि ये सामने वाले जो है ना वो ऑटो प्लेयर है भाई, मेरे सब्सक्राइबर है तो क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ ऐसे करते हैं। मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ भाई सब्सक्राइबर कैसे कैसे मेरे पास सब्सक्राइबर है, कैसे कैसे लोग सब्सक्राइब करते हैं और कैसे कैसे लोग सब्सक्राइब होने के जाते हैं और किस तरीके का व्यवहार करते हैं मेरे साथ। एंड बहुत सारे लोग ऐसे तो नहीं करते, बहुत सारे लोग इतने अच्छे हैं कि क्या ही बोलूं। एंड जो भी मेरे साथ ऐसे किए हैं मैं उसका तो तारीफ करता हूं बहुत, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को आगे वीडियो में। बस देखो इसको भी मैंने फिनिश कर लिया, दो ब्रेक मेरे पास आई, दोनों गेम हम लोगों ने फिनिश किया। ओके लेट्स सी, यहाँ पे इन्होंने रीमैच किया था बट मैं रीमैच करने नहीं वाला क्योंकि इनका आईडी जो था ना वो ऑटो प्लेयर वाली थी, और मैं सिंगापुर वगैरह में रीमैच तो करने ही वाला नहीं, कतई नहीं करने वाला। एंड मैं देखते हैं हम लोग फिर से गेम कनेक्ट करते हैं सिंगापुर में। आ जाओ यार कहाँ चले गए सारे, और गेम कनेक्ट हो चुका है मम डैड भाई के साथ। ओके 18 लेवल ब्रेक इनके पास गई है, सामने ऑटो प्लेयर है, और देखो भाई ये भी मेरे सब्सक्राइबर है बट इनकी जो व्यवहार है देखो भाई आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके से सब्सक्राइबर है ये। एंड मैंने इसको बोला भी भाई कैसे सब्सक्राइबर हो यार, कैसे फैन हो भाई, जब इनको पता है कि मैं फेयर खेल रहा हूँ उसके बावजूद ये ऑटो लगा करके खेल रहे हैं मेरे साथ, कम से कम मेरे साथ तो फेयर खेलो यार। एंड मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों की आईडी बैन करवा हूँ, एंड आप लोग आ जाते हो इस तरीके से व्यवहार करते हो तो आईडी तो बैन करना ही पड़ेगी। ये जो है वीडियो है मैं मिनी क्लिप तक भेज दूंगा जिससे आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, और बाद में मुझे मत कहना कि यस भाई आपने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी, डिलीट करवा दी, सॉरी इसके लिए और मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को बोलता हूँ मैं बिग फैन भाई, ओके थैंक यू सो मच, बट ऐसे भी फैन होते हैं मुझे पता नहीं था भाई, देखो आप लोग क्या होगा आगे। ओके यार इसको मैं बोलता हूँ यार मेरे साथ तो फेयर खेलो यार, मैं फेयर खेला हूँ, मैंने इनको बोला कि यार मेरे साथ तो फेयर खेलो, और देखो रिप्लाई क्या आता है इनका, ठीक है ऐसे व्यवहार करोगे तो कैसे चलेगा फिर यार। यार फिर भी कोई इग्नोर कर रहा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं भाई, अपने को ना बहुत बुरा लगा था भाई कि मेरे पास ऐसे सब्सक्राइबर है यार, बहुत बुरा लगा था सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसे सब्सक्राइबर देखे ना मैं बहुत गुस्सा होता। फ्रेंड में आ जाओ भाई, यहाँ पे वेरेटेबल्स में मेरे साथ हैक लगा के खेलते हो, फ्रेंड में आके मैं क्या करूँगा आपके साथ। एंड मैं इनको बोलता हूँ बहुत गुस्से से कि यार ऐसे सब्सक्राइब होते हैं, अरे चलते हैं यार नेक्स्ट गेम पे। एंड ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है भाई, कभी नहीं सुधरने वाले हैं, चोरी तो ये लोग को बनता है, चोरी करेंगे ही ये लोग भाई, चोरी करने की आदत हो गई है। एंड देखो यार ये कौन सा गेम प्ले, फोर्थ या पांचवा, ओके ब्रेक आ चुकी है अपने पास, यहाँ पे भी ब्रेक टू फिनिश बनता है, ब्रेक टू फिनिश मारने का कोशिश करेंगे सिंगापुर में। ओके तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले रिटर्न खींचते हैं। ओके रिटर्न खींच के एक पक पॉकेट हो चुकी है टॉप राइट साइड में नीचे की, और इसको क्रॉस कर लेंगे थोड़ा सा फास्ट, बीच वाली पक्स को रिलीज करने का ट्राई करेंगे बट हुई नहीं, चलो कोई नहीं यार, दो पक्स है, एक ऊपर है एक नीचे, उससे ऊपर वाली पक्स को राइट साइड में खेलेंगे फास्ट, बट इससे कोई चेंजिंग नहीं आया, ठीक है यार। नीचे वाली जो पक है उसको बम बना के खेलेंगे, फास्ट खेलेंगे और बीच वाली पक्स रिलीज हो जाएगी इससे अच्छी खासी। ओके यहाँ पे हो चुकी है थोड़ी बहुत, बट पक्का कंडीशन देखो यार चारों तरफ से ब्लॉक, इनको क्या करेंगे कनेक्शन खेलेंगे। ओके ये कनेक्शन चले गई, चलो बहुत अच्छी बात है यार, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत खेल लिया, इस सब को खेलने के बाद ना मैं बहुत पछता रहा था, बहुत सीरियसली बोलूँ तो, हालांकि शॉट सही था बट हम लोगों ने जो खेला वो खेलने का तरीका गलत था, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में पक्स थी वो भी रिलीज हो जाती अगर उस तरीके से हम लोग खेलते तो, लेकिन हम लोगों ने खेला तो सही ठीक है, लेकिन तरीका गलत था थोड़ा, स्टैगर को थोड़ा राइट साइड से खेलना था, इसको फास्ट खेल लिया और पक्स देखो एक पक फंसी की फंसी रह गई है। अब मैं क्या करूं यार, यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिख रहा है और ये बड़े टेबल से रिस्क बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मैं हार भी नहीं सकता, अगर हार गया तो फिर भाई ख़त्म यार पूरे कॉइंस, और देखो कोई चांस नहीं है, यहाँ पे मुझे एक दिख रहा था एक कनेक्शन,
एंड यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था, वो बीच वाली जो पक है उससे पूरा सा टच करके हम लोग लेफ्ट साइड में लेके चल जाएंगे। बहुत ही बैलेंस बना के खेलना पड़ेगा इसको। ओके खेला था बट यार मिस हो चुकी है। पता है आप लोगों को यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा था, इतना ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यार, यहाँ पे एक फेयर प्लेयर के साथ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है भाई, बहुत बुरा लगा था भाई यहाँ पे। यार एक फेयर प्लेयर तो उतना भी तो नहीं हो सकता ना कि भाई कंप्यूटर की जैसा खेल पाए, बट मैंने कोशिश बहुत अच्छा किया था, बट क्या करूँ ये प्रॉब्लम होती है। पर सामने फेयर खेल के जीत जाते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन ऑटो लगा नहीं जितना बहुत भाई क्या बताऊँ आप लोगों को। एंड सॉरी इनका भी एडिस बैन हो जाएगी। एंड ये गेम पहले देखो भाई, ये लास्ट गेम पहले, ये गेम पहले देखो आप लोगों को मजा आएगा। हालांकि ब्रेक जो है ऊपर इनके पास गई है, लेकिन ब्रेक मेरे पास आ जाएगी ना तब आप लोग फिनिशिंग देखना इसका। यहाँ पे देखो एक ट्रिपल कनेक्शन दिख रहा है राइट साइड में, देखो किस तरीके से इसको ट्रिपल कनेक्शन लगाते हैं। इसमें इनडायरेक्ट शॉट्स भी है बहुत सारे, मजा आएगा आप लोगों को। और हाँ यार, जिसने भी नहीं देखा है अभी तक मेरे सेकंड चैनल को, वहाँ पे मैंने बताया मेरे एक वीडियो में ना 1 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं। तो आप लोगों के किस तरीके से 1 मिलियन प्लस व्यूज आएंगे वीडियोज वायरल करने का ट्रिक मैं बताया हूँ, वहाँ पे जाके देखो मेरे सेकंड चैनल पे, या फिर मैंने कमेंट में पिन कर दिया है उस चैनल का लिंक, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का लिंक, और वहाँ पे मैंने एक वीडियोस भी अपलोड कर दिया है। और जल्दी से जाओ वहाँ पे कमेंट करो जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो टॉपिक चाहते हो, या फिर वीडियो वायरल कैसे करें, चैनल कैसे करें, कुछ भी टॉपिक हो वो टॉपिक मुझे बताओ टैग कैटेगरी के, ठीक है, भले कि वो वाइट मतलब यूट्यूब चैनल से रिलेटेड ही हो, चाहे फिर आप लोग कुछ भी हो, ठीक है, तो उस चैनल में जाके कमेंट कर सकते हो। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ये इनडायरेक्ट शॉट देखो भाई, ओके, उसके बाद ये भी इनडायरेक्ट शॉट देखो। आई होप यार आज का ये गेम प्ले आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और यार आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट थी वो तो पूरी हो गई भाई, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंगापुर खेलने के लिए बोला था तो मैं इसलिए खेल लिया। टेक केयर गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आज के लाइव में बाय।